ਨਾਮ ਅੰਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। मुझे ऐसे लगा कि जो तकलीफ़ें मैंने फ़ेस की थी तो वो दूसरे बच्चों को फेस ना करनी पड़े, तो जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकूं या मदद कर सकूं, इस वजह से मैं उन्हें क्लास दी। IAS दे परीक्षा पास करना हर प्रतियोगी का सुपना होंदा है, पर कई बार सही अगवाई दी घाट कारण परीक्षार्थी सफल नहीं होंदे। बस यही दर्द अंकिता नूं भी सहना पिया सी। वो दुर्ग दे छोटे जिहे पिंड दी वासी है। UPSC दी तैयारी दे दौरान जदों मार्गदर्शन लई भटकी तां फैसला कीता कि जे अधिकारी बनती है तो देश की सब तो वड्डी प्रतियोगी प्रीख्या विच भाग लैण वाले विद्यार्थियों नूं मार्गदर्शन करेगी। मुझे लगा कि एक कॉन्क्रीट एफर्ट करना चाहिए इसमें संडे को, और क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे पास कोई ऐसा गाइड करने के लिए नहीं था जो हमें इसलिए मिस्टेक्स या छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों को बता सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्ली स्टेज में ही बच्चों को उन चीज़ों को बता दिया जाए तो वो गलतियाँ नहीं करेंगे, और क्योंकि हमारे स्टेट में उतना मीडियम नहीं है इस पढ़ाई के लिए, वो माहौल नहीं है और उस लेवल के इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके तो मैं वो योगदान प्रदान करने की कोशिश करूँगी। मैम, इसमें मैंने 65 इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, 65 में कुछ नहीं होगा, मतलब 82-85 तक जाना है। वो कैसे जाओगे? 100% वाला पूरा किया जिसमें आपको लगता है दो ऑप्शन में से एक है उसको पूरा अटेम्प्ट करोगे, फिर 10-12 तुक्का मारोगे। तो हर ऐतवार नूं अंकिता मैम दी क्लास शुरू हुंदी है अते समा 11 तों 1 बजे तक हुंदा है। उन्हां तों किन्ने विद्यार्थी पढ़न आ चुके ने उन्हां नूं ए भी नहीं पता। अभी तक तो काफी बच्चों ने कॉन्टेक्ट किया, मैंने काउंट नहीं किया। एक दिन उन्हें सोशल मीडिया ते पोस्ट किया कि जिस नूं भी मदद दी लोड़ है वो आ जावे। मैंने अपने दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से डाला था कि मैं संडे को इस टाइम पे अवेलेबल रहूंगी। बस फिर की सी, अंकिता मैम तो पढ़ने वाले बच्चों की लाइन लग गई। तरह तरह के सवाल होते हैं, पहले जो बुक सोर्स क्या रेफर करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, या फिर वो पढ़ रहे होते तो उनके मोटिवेशन कंसिस्टेंसी से रिस्पेक्ट में सवाल होते हैं, या फिर वर्क रिलेटेड जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें कैसे करना है, या फिर पास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। अंकिता शर्मा जी हम सबकी एक इंस्पिरेशन है, तो आज उनसे बात करने का, सामने बैठने का मौका मिला। और जैसे कि आप UPSC एस्पिरेंट है तो नेट में पूरा एक कन्फ्यूजन है, हर चीज़ है अगर आप देखेंगे तो। एक कोई एक आम अगर इंसान है तो वो उसमें मतलब अटक जाता है, फंस जाता है, तो आज मैम ने क्लियर किया, बहुत सारे डाउट्स है। अराउंड 42 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं पार्लियामेंट जैसे एक बड़ा चैप्टर yes, तो वो मैं यहाँ पे करूँगा, तो मैं दूसरा कोई चैप्टर नहीं कर पाऊँगा, है ना। yes, फिर 3-4 जो है मैं किसी और दिन करूँगा, तो ऐसे उसको ब्रेक कर लेना। IPS अंकिता दे क्लास दे बच्चियां नूं वध तों वध किताबां पढ़न दी सलाह मिलदी है। कईयां कोल स्पष्ट संकल्प अते उत्साह हुंदा है। आप जब प्रिपरेशन करते हैं आपका मोटिवेशन लेवल कभी कभी बहुत डाउन हो जाता है, तो एक तरीके से वीकली डोज है उनसे मिलके बहुत पॉजिटिव लगता है कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटा छोटा गाइडेंस जो वो बताती हैं बहुत वैल्यूबल है, तो मतलब आई रियली लुक फॉरवर्ड एवरी वीक टू सी हर। मैम एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है मैम से मिलके, मतलब उनसे मिलके ऐसा लगता है कि हम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मैम हमारी क्वेरीज सारी टाइप्स की रहती है, हमारी पर्सनल से लेके एजुकेशनल तक की, यहाँ तक कि वो हमको मेथड्स बताती है कि शॉर्टकट्स क्या क्या है, स्मार्ट वर्क्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे पॉइंट्स बनाने होते हैं। अंकिता इन्हीं दिनी अपराध ते लगाम कसन लई जानी जाती है। इस दे नाल ही पुलिस विभाग नूं भी इस नवी पहल दा माण है। किसी ने सच बोलिया है कि जे साडे देश दे अधिकारी ईमानदार अते जिम्मेवार बन जांदे ने ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। IPS ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ETV ਭਾਰਤ। ਟੂ ਵਾਚ 24x7 ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ, ਡਾਊਨਲੋਡ ETV ਭਾਰਤ ਐਪ।